दोस्तों, मैं धर्मराज प्रसाद। जब से लॉकडाउन लगा है तब से ऐसा फील होता है कि ये देश हमारा नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग घर जाने के लिए तरस रहे हैं और उनके पास कोई साधन नहीं है, जबकि हमारे देश में लगभग 23,000 रेलगाड़ियाँ खड़ी पड़ी हैं, फिर भी लोग घर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, घर जाने के लिए अलग अलग तरीके के साधन के इंतजाम में लगे हैं, और कई कई तो बेचारे पैदल ही चल पड़े हैं, और रास्ते में उन्हें बहुत सारी दिक्कत हो रही है। अगर नॉर्मल टाइम रहता तो कहीं किसी से पानी मांग लेते तो कोई पानी भी दे देता, लेकिन कोरोना के डर के मारे लोग उन्हें पानी भी नहीं पिला रहे हैं। कितने मजदूर रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं और कई कई लोग दुर्घटना के शिकार भी हो जा रहे हैं। मैंने अपनी इस पीड़ा को अपने एक मित्र से साझा किया, अपने मित्र को बताया तो मेरा दोस्त बोलता है कि सरकार रेलवे कैसे चालू करेगी, सरकार रेलगाड़ियाँ कैसे चालू कर सकती है, अगर रेलगाड़ी चलेगी तो कोरोना फैलेगा, कोरोना इन्फेक्शन फैलने का डर है। तो मैंने उसे कहा कि अगर सारे यात्री लोग अलग अलग साधनों से, बस से, ऑटो से, रिक्शा से, अगर उस तरह से यात्रा करेंगे, तो मैंने उसे कहा कि अगर सभी लोग बस पर यात्रा करेंगे तो बस पर क्या होता है कि एक साथ इतने सारे लोग बैठेंगे तो जैसे तैसे बैठेंगे, और वहाँ किसी की निगरानी भी नहीं रहेगी, और बस का ड्राइवर एक तो अनाप शनाप पैसे लेगा, एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, और ज़्यादा सवारी बैठाने के चक्कर में खूब सारी सवारियों को भी बैठा लेगा, तो उससे तो कोरोना इन्फेक्शन बहुत फैलेगा। और गर्मी का समय है, इससे लोग कितना रास्ते में परेशान होंगे, और सबसे बड़ी बात, आदमी को 1 से 2 घंटे में वॉशरूम जाना ही पड़ता है, टॉयलेट जाना ही पड़ता है, और बस अलग अलग यात्रियों के लिए तो टॉयलेट के लिए नहीं रुकेगी ना, मतलब बस पर चल रहे यात्रियों को आधा घंटा, 1 घंटा 2 घंटा तक अपने टॉयलेट को रोकना पड़ेगा, जिससे उनके शरीर पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी तरफ बस या बस टाइप का और भी बहुत सारे साधन है जिससे लोग आते हैं, अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं मजबूर होकर, मजबूरी में, तो सब साधन अपनाए पूरे यात्रियों का डिटेल सरकार को नहीं देते हैं। इससे क्या होता है कि वो अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं और ज़्यादा सवारी बैठाने के चक्कर में और जल्दबाजी के चक्कर में सैनिटाइज किए बिना ही तुरंत दूसरे सवारी को ले लेते हैं। और दूसरी दिक्कत यह है कि बस या बस टाइप की और भी यात्रा के साधन हैं, बहुत सारे साधन हो सकते हैं, तो वो यात्रा के साधन में यात्रियों की एग्जैक्ट संख्या सरकार को, इन लोग को नहीं देनी होती है, तो जिसके कारण वो क्या करते हैं, बिना अच्छे से सैनिटाइज किए ही अगले ट्रिप के लिए निकल जाते हैं ताकि उन्हें सवारी मिले ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी चीज़, इन लोग जब सरकार को अपने यात्रियों का लिस्ट जब नहीं देते तो बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो बिना सरकार को बताए बहुत दूर से अपने घर आते हैं और बिना क्वारंटाइन हुए ही अपने घर में चल जाते हैं, और अगल बगल के लोग दुश्मनी या मनमुटाव की वजह से किसी को जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि सबको डर लगता है कि अपने पड़ोसी से क्या बिगाड़ करें। और दूसरी चीज़, अगर रेलगाड़ी की बात करते तो रेलगाड़ी के पास सारी सुविधाएँ उपलब्ध है, रेलवे के पास सफाई कर्मचारी उपलब्ध है और सभी लोग उपलब्ध हैं, वो आराम से सैनिटाइज भी सबके हाथ को करवा सकता है, सबको ग्लव भी दे सकता है, सबका टेम्परेचर भी चेक कर सकता है, और तो और एक बार जब सभी यात्रियों को उतार लेगा तो उसके बाद अपने कर्मियों के माध्यम से, अपने सफाई कर्मचारियों के माध्यम से एक ही बार पूरे ट्रेन को सैनिटाइज भी कर देगा। और दूसरा इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये अपनी हर यात्री की रिपोर्ट वहाँ की सरकार को देगा, वहाँ की स्थानीय संस्थाओं को देगा, जिससे वो उन्हें तुरंत क्वारंटाइन सेंटर भेज देंगे, जिससे कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन पूरे यात्री तरसते रह गए, तड़पते रह गए कि मुझे रेलगाड़ी मिल जाती कि मैं अपने घर पहुँच जाता, नहीं उन्हें रेलगाड़ी की सुविधा मिली और नहीं वहाँ की स्थानीय सरकार से आर्थिक मदद मिली या खाने पीने का पूरा आश्वासन मिला। नहीं तो कौन ऐसा होगा जो खाने पीने का आश्वासन मिल जाने के बाद भी अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ पैदल या अलग अलग गाड़ियों से इतनी यातनाएं झेलते हुए अपने घर वापस आएगा। इसके बाद मुजफ्फरपुर के अरबिना खातून की घटना सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं दंग रह गया। इसमें इस युवती की ट्रेन में आते समय ही मौत हो गई। जब इनके शव को उतार कर मुजफ्फरपुर जंक्शन में रखा गया तो इनका जो बच्चा है 2 से 3 साल के लगभग होगा, वो बार बार उठा रहा है, वो बेचारा मौत क्या होता है नहीं जानता है, वो बार बार अपनी माँ को उठा रहा है, और माँ जब उठ नहीं रही है तो खुद चादर में घुस जा रहा है और माँ के बाल सहला रहा है कि माँ उठेगी, उस बच्चे को क्या मालूम। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि जो सबके सामने देखा होगा वही अपने भावनाओं को दबा पाया होगा, और जो अकेले में देखा होगा वो जरूर रोया होगा, वो अपने आंसू को थाम नहीं पाया होगा। मुझे ये वायरल वीडियो की जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से प्राप्त हुई,
लेकिन मैंने इस वीडियो को देखा नहीं, क्योंकि मैं इतना बहादुर अभी नहीं हुआ हूँ कि ये वीडियो को देख सकूँ। और हाँ, बहुत बड़ा कलेजा होगा उसका जिसने ये वीडियो को बनाया होगा, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि ये लेडीज़ पहले से बीमार थी, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लेडीज़ बीमार नहीं थी, इसकी मौत गर्मी की वजह से हुई। लेकिन दोनों में कोई भी वजह हो, अगर वो लेडीज़ बीमार थी तो रेलवे जब इतनी सारी चेकअप कराता है, इतनी सारी टेस्ट कराता है, तो जब देख लिया कि बीमार थी तो क्यों उसको यात्रा की इजाज़त दिया? और जिस जगह से ये यात्रा करने के लिए बैठी थी, क्या उस जगह की सरकार को सूचना नहीं दे सकती थी? तो वहाँ की सरकार भी इसे जाने की अनुमति कैसे दे सकती थी? रेलवे ने वहाँ की सरकार को इसकी सूचना क्यों नहीं दी कि ये लेडीज़ यात्रा करने के स्थिति में भी नहीं है? और दूसरी बात, अगर माना जाए कि वो लेडीज़ स्वस्थ थी, तब ट्रेन में अगर उसकी स्थिति बिगड़ी तो एकाएक तो मौत हुई नहीं होगी, जवान लेडीज़ थी, उनकी मौत के पहले कुछ तो उनको दिक्कत हुआ होगा, इसकी जानकारी क्या रेल कर्मियों को नहीं लगी होगी? लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसकी कोई सुध नहीं ली। मतलब कि फिर मैं कैसे मान लूँ कि ट्रेन मेरा है? दोनों ही स्थिति में ये मुझे मानने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि रेलवे हमारा नहीं है। इस घटना से मैं ठीक से उबर नहीं पाया था कि उसी दिन मुझे एक घटना और सुनने को मिल गई। यह घटना बिहार की सीतामढ़ी की रहने वाली किरण जी की है। एक प्रेग्नेंट लेडी हैं और इन्होंने अपनी यात्रा बम्बई से पटना के लिए चालू की, लेकिन सतना आते आते इनकी परसों पीड़ा चालू हो गई और वो पीड़ा से तड़प रही थी, और इसकी जानकारी वहाँ के टिकट निरीक्षक को दिया गया, लेकिन उन्होंने इनके लिए कुछ नहीं किया। और वो बेचारी तड़पते तड़पते लगभग 78 किलोमीटर की यात्रा करके मानिकपुर जंक्शन पहुँची और आनन फानन में वहाँ उतारा गया, और उतारते के साथ ही प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। ये क्या है? मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि 2 दिन में पहुँचने वाली ट्रेन 9 दिन में पहुँची है, और ट्रेन रुकी तो रुकी क्यों, और किस कारण इतनी सारी ट्रेनें रुकती है? क्योंकि उन्हें रास्ते में बहुत सारे लोगों को लेना रहता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी रहती है, बहुत सारे लोगों की जरूरतों को देखना पड़ता है। तो क्या कोई लेडीज प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, सतना जंक्शन से ट्रेन खुल चुकी है, और वो क्या ट्रेन को रुकवाया नहीं जा सकता? मतलब बाकी कामों के लिए जो ट्रेन 2 दिन की रास्ता है उसे 9 दिन में पहुंचती है, तब कोई समय बर्बाद नहीं होता, और कोई लेडीज प्रसव पीड़ा से तड़प रही है और उसके लिए ट्रेन नहीं रुकी? हर जगह रास्ते में कई जगह उन्हें सड़क दिखी होगी, अगल बगल के प्रशासन से, अगल बगल की जगहों से सूचना लेकर उन्हें कहीं ट्रेन को खड़ा करके और उन्हें अस्पताल में उसी वक्त शिफ्ट कराया जाना चाहिए था। अब आप बताइए, अगर मैं इसके बाद भी मानूं कि रेल मेरा नहीं है, ये ट्रेन मेरा नहीं है, मेरे अंदर ये विचार जगता है, तो मैं कहां तक गलत हूं? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि मैं गलत कहां बोल रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार रेलगाड़ी में इंसानों को नहीं ले जा रही है, देश के नागरिक को नहीं ले जा रही है। ऐसा लगता है कि ट्रेन में पशुओं को ले जाया जा रहा है। जैसे आदमी कोई पशु को लेकर जाता है तो पशु मरे या जीत से मतलब नहीं रहता, पशु बस भागना नहीं चाहिए। ट्रेन में बहुत सख्त पहरा है, लेकिन वो पहरा इसलिए नहीं है कि इससे यात्रियों की सुरक्षा होगी, वो पहरा इसलिए है कि कोई यात्री भाग ना जाए। अगर कोई यात्री तड़प तड़प के अपनी जान भी दे दे, जैसे कि मैंने दोनों में बताया, एक तो अरविना खातून और एक तो किरण जी, ये दोनों के दोनों लेडीज के साथ रेलवे द्वारा इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अंग्रेजों के जमाने में तो मैं था नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों के जमाने में भी किसी लेडीज के साथ इतना दुर्व्यवहार होता। एक बार फिर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ कि ये रेल मेरा नहीं है, और ये रेल भी देश का हिस्सा है, तो ऐसा लगता है कि ये देश भी मेरा नहीं रहा। आज सरकार को कोरोना को छोड़ के कोई समस्या दिखी नहीं रही है, और सरकार को कोरोना खत्म करने को छोड़ के और कोई चीज खत्म करने का नहीं दिख रहा है। सरकार को जो हो जाए, किसी आदमी को तकलीफ हो, पीड़ा हो, मर जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को बस एक ही चीज देखना है कि कोरोना ना फैले। आप लोग को मैं बार बार न्योता दे रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर मैं सही हूँ तब लिख के बताइए, अगर मैं गलत हूँ तो भी लिख के बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जैसा भी लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस टाइप का जो भी मैं वीडियो डालूँ तो इसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।